आज हम आपको बताने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म जो अगर इस महीने में जन्मे हुए होते हैं तो प्यार में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें प्यार में धोखा भी उतना ही अच्छा मिलता है। यानी कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन रिटर्न में उनको प्यार कभी ज़िंदगी भर तक नहीं मिलता। और वो महीने कौन कौन से हैं, पहला तो फरवरी और दूसरा नवंबर। मैं नवंबर का ही जन्मा हुआ हूँ तो मैं रिलेट कर सकता हूँ और मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। तो अगर आप सेम मंथ में बॉर्न हैं, अगर आप जन्मे हैं फरवरी में और नवंबर में, या अगर आपका पार्टनर सेम मंथ में बॉर्न है, या आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं जिनका जन्म इस महीने में हुआ है, तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आपको लोगों के बारे में थोड़ा समझ में आएगा। और अगर आप खुद जन्मे हैं तो आपको अपने बारे में तो पता चलेगा ही। तो सबसे पहली बात, ये लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। प्यार क्या होता है आप इन लोगों से पूछें। अगर कोई इंसान फरवरी और नवंबर में जन्मा हुआ होता है तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा अच्छा प्यार को कोई जानता होगा। प्यार की गहराई इनको अच्छी तरह पता होता है। प्यार के उस कोने को जानते हैं जिसको दुनिया देख भी नहीं सकती। हम लोग प्यार को बस समझते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से प्यार क्या होता है, अंदर से प्यार की फीलिंग क्या होती है, वो इन लोगों को ही पता होता है। बट इनको धोखा भी बहुत ज्यादा मिलता है। इनको दुनिया में बहुत धोखे मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। इमोशनल होते हैं शायद इसीलिए प्यार कर पाते हैं, प्यार को समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है तो आप किसी के प्यार को ना तो समझ पाएंगे और प्यार तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो इनको प्यार किसी से हो जाता है तो उसको 100% देते हैं। जिससे प्यार कर लेते हैं उससे प्यार बस कर ही लेते हैं, फिर तो भाई जुदा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लॉयल बहुत ज्यादा होते हैं। जिससे एक बार प्यार कर लिया तो मैं समझता हूं कि उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले, अनटिल एंड अनलेस कि वो इंसान इनको धोखा दे जाए। यानी कि धोखा बहुत ही कम देते हैं, ये कहना सही रहेगा कि धोखा देते ही नहीं है। इनको धोखा मिलता बहुत है। इनको पता होता है कि धोखा मिलने के बाद जो दर्द होता है वो कितना ही ज्यादा गंदा होता है और कितना ही ज्यादा घटिया होता है। तो ये धोखा किसी को देते ही नहीं, क्योंकि इनको डर लगा रहता है कि लोग मेरी फीलिंग्स को ना तोड़ दें, फिर से मेरी मोहब्बत को ना ठुकरा दे, फिर से मेरे को चोट ना पहुंचा दे। इसी में जूझते रहते हैं तो किसी को धोखा दे ही नहीं पाते। अब एक चीज समझो कि इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, तो कई बार ये भी देखा गया है कि इनके रिलेशनशिप में इस इमोशंस की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये रोते धोते बहुत ज्यादा है। इनको छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं। अगेन मैं नवंबर का बॉर्न हूं तो मैं बता सकता हूं आपको कि छोटी छोटी बातें मुझे भी बहुत ज्यादा फील हो जाती हैं, बहुत ज्यादा टच हो जाती हैं कि यार ये इसने क्या कह दिया। बड़ी बात नहीं होती बट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशन वाला बंदा हूं तो मुझे इस चीज हिट कर जाती है कि यार इसने क्या ही कह दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं रोने लग जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, अगर कोई लड़की हो तो अपने बॉयफ्रेंड के सामने रोने लग जाएगी। अब एक दिन चलता है, दो दिन चलता है, चार दिन चलता है, दस दिन चलता है, रोज रोज थोड़ी चलेगा। तो सामने वाला इंसान उस चीज से इरिटेट होने लग जाता है। उसको क्या लगता है कि ये इंसान तो थोड़ा बचपने वाला है, ये इंसान तो बच्चा है, कितना ज्यादा इरिटेट कर देता है, कितना ज्यादा रोता है, और यही चीज रिलेशनशिप को एंड करवा देती है। तो अगर आप फरवरी के जन्मे हुए हैं और नवंबर के जन्मे हुए हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। या अगर आपका कोई पार्टनर है जो कि नवंबर और फरवरी में जन्मा हुआ है तो प्लीज उसकी इमोशंस को समझिए, प्लीज उससे इरिटेट मत होइए, क्योंकि इंसान के नेचर में ही होता है इमोशंस। ये बहुत ज्यादा रोते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं। लेकिन एक अच्छा पार्ट भी तो है ना कि छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी भी लग जाती हैं। तो इंसान आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे, इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, आपको हमेशा खुश रखेंगे और पूरी 100% कोशिश करते हैं कि अपने प्यार के लिए क्या कुछ ना कर दें। 24 घंटे इनके मन में अपने प्यार के बारे में ही चलता रहता है कि मैं उसके लिए ये कर दूं, उसके लिए वो कर दूं। और बहुत अच्छी बात यह है कि रिटर्न में कुछ सोचते भी नहीं, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखते कि रिटर्न में कुछ रखेगा या रिटर्न में मुझे कुछ देगा। बस एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान मेरे साथ रहेगा, इतना काफी है, वो मेरे साथ रहे बस इतना काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि लास्ट में इंसान रहता ही नहीं, एक चीज मांगता है और वो भी चीज नहीं रहती। तो सलाह मैं आपको यही दूंगा कि अगर आप फरवरी और नवंबर के बॉर्न हैं तो प्लीज अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि आपको कोई भी नहीं समझेगा। आपको शिकायत होती है कि लोग आपको नहीं समझते, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सच में आपको ना कोई समझता है और ना कोई समझ पाएगा। आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी कि कोई आपको समझे, आपको खुद को ही समझाना पड़ेगा और खुद को ही समझना पड़ेगा। प्लीज किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखिए, क्योंकि लोग सिर्फ धोखा ही देते हैं। बहुत ही बिटर ट्रूथ है बट हाँ, सच तो सच ही होता है। कड़वा लग रहा है तो मैं क्या ही करूँ, है ना। तो अपने पार्टनर से आप प्लीज ये एक्सपेक्ट ना करिए कि अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहे हैं या अगर आप रोने लग जा रहे हैं तो आपको समझे नहीं, ऐसा नहीं होता। फरवरी और नवंबर में जन्मे लोग एक दूसरे को ही समझ पाते हैं भैया। अगर इन दोनों मंथ में कोई जन्मा है तो उन दोनों मंथ में जन्मे लोगों को ही समझ पाएगा, इसके अलावा नहीं समझ पाएंगे। प्लीज आप समझने की कोशिश करो। तो अगर कोई इंसान आपको नहीं समझ पा रहा तो उसमें
गलती किसी की नहीं है, वो नहीं समझ रहा क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर इतने इमोशंस है ही नहीं। हमारे अंदर इमोशंस है, हमें छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, छोटी छोटी बातें अच्छी लगती हैं, हमें कोई लोग बहुत पसंद आ जाते हैं, हम उनके बहुत ही करीब हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें धोखा मिल जाता है। तो ये हमारे नेचर में ही है, धोखा हमको मिलता ही मिलता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हम बस लोगों के लिए करते हैं, लोग हमारे लिए बुरा करते हैं, हमें धोखा दे जाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अच्छे हैं ना, हम दिल से प्यार करते ना, उतना काफ़ी है। इसी चीज़ को लेकर खुश रहो तो धोखा आपको मिलेगा, बट हाँ धोखे से एक्सपीरियंस मिलता है और हम इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे होते हैं कि हम लोगों को सलाह दे पाते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाता हूँ लव लाइफ को लेकर, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को ही बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने क्या गलती की थी कि मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैंने क्या गलती की थी कि वो लड़की पड़ गई थी, मैंने क्या गलती की थी कि वो लड़की ने मेरे को डांट दिया था, वो लड़की मुझसे गुस्सा हो गई थी, नाराज़ हो गई थी, तो वो चीज़ मैं आपको मना करता हूँ करने के लिए। और जिस वजह से वो खुश हो गई थी, पट गई थी, मुझे उसने पप्पी दे दी, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ करो, दैट सिंपल एज दैट। तो एक्सपीरियंस को काउंट करना सीखो, एक्सपीरियंस अच्छे ही होते हैं, बुरे अच्छे जैसे भी होते हैं, बस वो अच्छे होते हैं क्योंकि ज़िंदगी में आपकी हेल्प करते ही करते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ भी हेल्प दे पाता हूँ तो इसी वजह से, क्योंकि मेरे ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, मुझे धोखा बहुत ज़्यादा मिला है। ऑल्दो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानता, बट यार जो मैंने देखा है वो देखा है, ऐसा होता है तो होता है, जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया है। अभी जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। आप थोड़ा थोड़ा लंबे लाइन में बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ है, कि आपको भी धोखा मिलता है, कि आपको भी लोग नहीं समझ पाते, कि आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो लोगों से लेकिन लोग आपके प्यार को नहीं समझ पाते। जो भी बात है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को प्लीज शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो कि वजन में हुए हैं नवंबर और फरवरी में। प्लीज आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आपने वीडियो देखी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर कुछ भी नहीं, बस इंजॉय करो,